हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज किचन में भाई शोले भटूरे, बहुत ही बढ़िया किचन वाला माहौल होगा, बहुत ही मजा आ जाएगा। और यहाँ पे मेरे पापा निम्बुन के साथ। पापा, अपने एक हार्ट अटैक थी, बता लोग मरे जाए तो कायम हवर में उठी ने किलो बे किलोमीटर हालू जी तो तुम्हारे पास एक खटरो रूपया पड़ा हो के मारे क्या हाल में जाए। हाल में जरूर नहीं, हृदय ने तकलीफ पड़े हालूज पड़े, खोराक हो हालू जी काबरिया ने क्या ताण से हरखू से बधी रीते छता डॉक्टर बधा व्यवस्थित हाले इमीट हो खावानी के भाई आ खाव आ न खाव तो आपड़े क्या ताण से खाओ पी तकलीफ पड़े ये न करे। बहु पैसा थी जाए तो कोक ने सेवा में आपो ई जरूर है। अने हालो आखो दी बैठो हो ने खेती वाला ने हूं उठी ने आखो दी खेतर में हालता हो जरूर न पड़े। ई हवार में आटा मारे के पांच आटा मारे बेन आखो दिवस चौबीस कलाक परसो वाले बोले तो परसो हो वाले गाड़ी में करो एसी गाड़े हजे रूम में बे आया था तो एना काम वाला एसी चालू कर रखे तो एने घड़े गरमी थवा दे घड़े बफावा जो तो बहुत है એટલે આ ગરમી જ્યાં આપણા શરીરમાં ખાર છે પરછેવાથી બહાર નીકળે એટલે ચોખ્ખું થાય અને શરીર ચોખ્ખું થાય પછી કોઈ કરવું જ નથી પીઝા ખાય માયા વર્દીમ લોક થઈ જાય ખાવાની કોઈ લિમિટ નથી। और यहाँ पे आप देख सकते हो मस्त कबूतर आ गए है, मजा आ रहा है भाई उनको। और एक बात की भाई गाय को चारा डालने के लिए इसलिए नहीं गए क्योंकि हम गाय को चारा डालने के लिए जा रहे थे लेकिन गाड़ी एक बार थोड़ी पलटी सी हो गई इसलिए सब लोगों को अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो चलिए आज है शोले भटूरे का मस्त प्रोग्राम, किचन में होगा धमाल, देखते रहिएगा एंड तक, बहुत ही आएगा मजा। यहाँ पे आ गई है किंजल, तो किंजल तुम तो बहुत ही चमक रही हो, गुड मॉर्निंग। आज मैंने लिपस्टिक कर ली है आज सुबह। अच्छा, तो लिपस्टिक करके कहाँ जाना ही नहीं है तो कब करेंगे तो घर पे एंजॉय करेंगे। अभी रूही देख रही थी ना तो मुझे मन हो गया। अच्छा, इसीलिए उसने भी की और मैंने भी की, उसको नहीं करना चाहिए, अभी मना किया था ना, केमिकल वाली है बच्चों के बेबी। अच्छा, चल आज क्या बनाने वाली हो तुम स्पेशल? छोले भटूरे। छोले भटूरे बनने वाला है, क्या बात है, यूनिक है कि अलग? भटूरे नहीं बनाएंगे, छोले और रोटी। अच्छा, छोले और रोटी, ओनली छोले बनेंगे आज। यहाँ पे यार सो गई है और अभी किचन में जाने का टाइम हो चुका है क्योंकि अभी दर्शक का नाश्ता, अभी आरोही रूही तीनों का नाश्ता भी बाकी है और मैंने पापा दादा ने तीनों ने कर लिया है तो अभी बनाएंगे भाखरी और केरी कट करेंगे, फटाफट कर देते, अभी यार उठ जाएगी तो ये करेगी तो। और देखते हैं केरी पक गई है, दिखाती हूँ आपको सबको। वाओ, आधी पक गई है और आधी कच्ची हुई है। वाओ, मुँह में पानी आ जाता है देखने के बाद। यहाँ पे किचन में किंजल है और यहाँ पे मस्त भाखरी बन रही है और किंजल बोल रही है कि अब घर बनाओ क्योंकि उनको नया किचन चाहिए। गोबरा लगता है गोबरा लगता है बोलो उनको क्योंकि वो काफी टाइम से बोल रहे हैं किचन कितना सब लग रहा होगा ये वो मतलब ये सब है ना ठीक करना पड़ेगा बहुत तो। अच्छा, ठीक करना पड़ेगा, कल तो ऐसा बोल रही थी सब चेंज करना पड़ेगा, नया करना है, ठीक नहीं करना है, न्यू करना है मुझे। ठीक करेंगे तो कुछ नहीं करेगा, ऐसे पानी में बैठ जाओगे क्या? अभी बारिश का टाइम आ जाएगा, हम कुछ चौड़तर करेंगे ना तो पिघल के नीचे चला जाएगा, कुछ नहीं होता, पिघल पिघल के नीचे अच्छा रहेगा, पानी आपको पिलाना नहीं पड़ेगा। अरे वाह, प्रिंस भाई भड़खड़ की बेटी है वो भाई है। अभी देखते हैं भाई क्या करे इस किचन का क्योंकि हमें भी थोड़ा किचन का नहीं पूरा घर का करना है, पूरा घर का करना है। एक दो लोगों का कमेंट भी आया था कि घर का कुछ करो भाई, पर मुझे इस ये जो छत वाले मकान होते हैं ना मुझे उसमें बहुत अच्छा लगता है। किंजल को किंजल रखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे करेंगे मकान। किंजल को दोनों का आप एंजॉय कर पाओगे, दोनों का उसका भी करोगे और ये भी करोगे। चलिए पहले हम भाकरे खा लेते हैं, किंजल ये खाएंगे तभी कुछ कर पाएंगे, तभी कुछ कर पाएंगे ऐसा। इनको कटिंग कर देते हैं क्योंकि मैंगो बड़ा बड़ा मस्त रेडी हो चुका है, अभी पकने भी लगा है, देखो सब लोगों के घर पे पकने भी लगा। छोटी कैरी पे हमें भी कभी कभी मिल जाती है, काफी हो चुके रेडी तो यहाँ पे कैरी भी कट कर रहे हैं। वाओ, देखो रसदार है, पानी डाल है, पानी कितना है उसमें भरा भरा, और अभी मैंने तो कर लिया है पहले तो भी रसदार। यारोही ने बिंदी लगाई है, कितनी क्यूट लग रही है। अरे शू करे छे, उठी गई तू, डिंगुड़ी डिंगुड़ी। दवा पीनी नहीं अच्छी लगती,
अच्छा मुंह बिगड़ जाता है। फ्रेंड्स किचन में चलते। हेलो किंजल, क्या कर रही हो अभी का क्या? अच्छा हुआ होटल गर्मा गर्म धुआड़ा निकल रहा है अभी। और ये क्या है किंजल? ये टमाटा की ग्रेवी है। टमाटा की ग्रेवी और इसमें ये जा रहा है काजू। ऐसा घटा घटा अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा घटा घटा अच्छा लगेगा। वाह आज है भटूरा का और बहुत ही बढ़िया। और ये दूध की मलाई भी एड कर दी है। चलिए आज बारीकी से देखते है और आज का ब्लॉग रहेगा हमारा भटूरे के ऊपर। तो आइए देखते भटूरा किस तरह किंजल रेसिपी के साथ और बनता है या बिगड़ता है। देखते रहिए किंजल के साथ। नहीं खाओ क्या? बिगड़ेगा नहीं आई थिंक, क्योंकि किंजल का अच्छा ही होता है। अच्छा अच्छा बोलना चाहिए। अच्छा, अच्छा होना अच्छा अच्छा ही होगा। अच्छा बोलना चाहिए। अगर क्रश हो चुका है, मस्त मस्त लग रहा है काजू का क्रश। और यहाँ पे चलिए चोरे भटूरे और सब चीज रेडी हो चुके हैं। किंजल शुरू करते हैं अभी। ओके तेल रख दिया मुहूर्त का। हम डाल दिया है अभी तेल आ गया चटपट चटपट के साथ अभी हो जाएगा शुरू भटूरा। किंजल तुम अच्छा बना, पहली बार बनाया? नहीं इससे पहले एक बार बनाया, एक बार बनाया था ना। अच्छा वाह हमारा ऑर्गेनिक हल्दी डाल दिया। वाह मस्त। और ये जाएगा ग्रेवी सड़सड़ाहट के साथ। देखो मुझे पता ही था किंजल इसमें सड़सड़ाहट होगी ही होगी। सही में तुम बोलते रहते हो हल्दी अच्छी लगती है इसलिए। अच्छी है, सबका टेस्ट अच्छा आता है ना, सब मसाला मिक्स होता है। टमाटर की ग्रेवी है, अभी ये उबलेगा उसके बाद सब डालेंगे। ओके अभी उसका तेल बाहर निकल जाएगा। ओके उसके बाद एक डालना है। ओके डन डन डन। तो चलिए इंशाल्लाह भटूरा। मिर्ची पाउडर। ओके मिर्ची भी हमारी लाल लाल चटक। देखो जिसके घर में हमारी मिर्ची गई है ना उनको तो पता होगा कैसा मजा आ रहा है और कलर कैसा मस्त आ रहा है। ठीक है और ये डाल दिया। किंजल जीरा कौन डालता है भाई? सब डालते हैं। अच्छा सब डालते हैं। आपको नहीं मालूम है क्योंकि आप बनाते नहीं है ना। अच्छा इसीलिए ना जीरा कौन डाले? गरम मसाला और मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर। ओके अभी इसको थोड़ा मिक्सिंग करो। मिक्स करेंगे। ओके वाह ये पूरा ग्रेवी बना किंजल। मस्त ग्रेवी बना देखना। पसीना आ रहा है पसीना। हम वो कश्मीरी अंदर प्लस कर मिक्स कर देगा इसलिए ज्यादा तीखा ना लगे और कलर भी अच्छा आए। किंजल देखो मस्त कैसा डांस कर रहा है। अब खा के डांस करोगे? पहले डांस करेंगे। देखो कितना मस्त डांसिंग डांसिंग हो रहा है यहाँ पे। ये क्या डाला किंजल? मलाई, दूध की मलाई। दूध की मलाई क्यों डाली? उसका टेस्ट अच्छा आता है। अच्छा दूध की मलाई तो किंजल कोई नहीं डालता। सब डालते हैं। सब नहीं डालते मैं डालती हूँ ना। मैं नमक डाला है तो इसलिए थोड़ा कम डालना है। अच्छा भटूरे में पहले से डाल दिया? डाल दिया था जब मैं कुक किया था ना। किक किया था तब। ओके कुक किक किया था तब। ओके क्या ग्रेवी बनी है भाई। धीरे धीरे करते करते पानी डालेंगे। पानी अभी इसमें किंजल पानी तो हद कर दी भाई। अभी पानी तो कोई नहीं डालता। अच्छा है हमारे शरीर के लिए। तुम इस सब्जी को बिगाड़ना चाहती हो इसलिए पानी डाल रही हो। बताओ मुझे टेस्ट कर रहे हैं मतलब पानी कौन डालता रहा है। पूरा इसका लुकआउट चला गया। नहीं चला अभी वापस बुला रहे। पानी पड़े कढ़ी हो गई किंजल कढ़ी। कढ़ी देखे तुम्हें बनाओ ने पर कढ़ी तो ये कढ़ी नहीं आवड़े तुम्हें तो। मैं कढ़ी आवड़े तो कढ़ी नहीं आवड़े। किंजल की कढ़ी अभी डांस करेगी कढ़ी भटूरे। ये किंजल ये क्या डाला तुमने? काजू का पाउडर है। अच्छा किंजल अभी तो ये हद के ऊपर हद हो गए। इसके ऊपर अच्छा आता है और उसका भी कटा कटा होता है। अच्छा काजू से? यस काजू भी डाल सकते हो और मूंगफली का पाउडर भी डाल सकते हो। अच्छा सस्ता करना है तो मूंगफली डाल। सस्ता करना है तो और अच्छा, तुमने महंगा वाला बनाया है। महंगा वाला क्योंकि अच्छा लगता है इसलिए। दुआड़ा बंद अभी डांसिंग डांसिंग खेलने लगे वापस सब्जी और उसमें वापस गया काजू का थोड़ा भूखा। और अभी इसमें देखो डांसिंग डांसिंग मस्त डांस डांस करने लगे। मेरे को ये इसको देख के मुझे भी ऐसा डांस करना चाहिए। ऐसे ऐसे करने लगे मेरे को वो भी देख के। हाँ पागल थे क्या तो मम्मी? हाँ खंभो रे वाजियो ना करा बनाओ जो कौन बनाओ। अरे ये बाप रे देखो भाई डांसिंग डांसिंग कर रही है अभी। अभी इसमें डालेंगे बटर। चलिए अभी पानी निकाल देते हैं। बटर डाल दिया है और मुझे लग रहा है कि ये बिगड़ गया। मतलब 15 मिनट उबालने देंगे। अच्छा 15 मिनट उबाल देंगे तो भटूरा कहाँ चला जाएगा किंजल? मेरे को तो चढ़ जाएगा, कुक हो जाएगा। अच्छा चढ़ जाएगा भटूरा कड़ी भटूरा बनाया मेरे ख्याल से ना। तो दूसरी बार बोलोगे कि आज भी चेपती क्यों है? ऐसे चेपती अच्छा मिक्स हो जाएगा सब।
क्या है कि आपको मुंह में डालने के बाद बहुत एक्सरसाइज नहीं होगी दांत को। अच्छा इसीलिए? अरे वाह, तुरंत अंदर चला जाए। बहुत गहराई वाली सोच। तो मस्त किंजल ने बटर बना दिए और क्या बात है। चलिए इसका दो तारीफ कर देता हूँ भाई। किंजल जब रसोई बनाती है ना तब A1 बनती है और किंजल के हर रोसे A1 बनती है, और जब नहीं बनती है ना उसके बाद तो किसी को खाने लायक भी नहीं होती। किसी को कब हुआ है? सॉरी किंजल राम खेड़ बते उभरे 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 क्या है उठ मन नोट कर किंजल हमरे ले बता तो बारे छे बने सॉरी सॉरी किंजल उभरे उभरे आप पानी लगड़े पर पानी लगड़े उभरे पानी लगे। तो फ्रेंड्स भाई मेरी थोड़ी गलती हो गई। बताए तू नहीं लागे गरम केटलो हतो बताए तो खरी पण फरफोलो पड्यो थोड़ो तरत पड़े आ क्यों गरम लागू तो यहां पर भी छाटे उठे दीवार सॉरी तो पापा आवे એટલી વાર છે તમારી જો સોરી હાથ ના ફેરવાય તો ઉલટા નું બળ છે। भटूरे तो बन गया लेकिन भटूरे के साथ साथ किंजल का मुंह थोड़ा जल गया। सॉरी किंजल यहाँ पर भी उलझे छाटे यहाँ पर भी इसमें से एक यहाँ पे ऐसे टपका थी यहाँ पे लगा होगा आई थिंक सो थोड़ा लगा बच गई। यहाँ पे कौन साफ करेगा? मैं साफ कर देता हूँ ठीक है। बाप रे अच्छा वो बच गई। चलिए फोन आ रहा है ट्यूब वूब लगा दिया है और थोड़ा ठीक हो जाएगा किंजल। आप आने दो पापा को। पापा आ गए देखो इधर देखो पर अभी ठीक हो जाएगा। पापा आओ जी कपार छोले भटूरे बना देता ना तो किंजल मस्ती कर देते तो उड़ियो तेल उड़ियो तेल नहीं पापा रसो उड़ियो गरम ही गरम केटलो आए पापा दीवार भरी हुई की साफ कर रही थी मैं दीवार लगा पर चाय नहीं એટલે પપ્પા કેન્જલ એ રમત કરતી હતી એટલે આવું છું રમત કઈ નહીં એ તો મટી જાય ને પપ્પા તો મટે પણ બળા કેટલું વાર કરવી આવું તો તમને અખતરો કરું કેવું લાગે છે એ તો મટી જાય તમે આગળ બોલે તો ખબર પડે કેમ થાય કેટલું ગરમ લાગે તો બહુ ગરમ લાગે ગરમી ગરમ વધારે પરસો વળે હા અને પાણી મેં કે ને ખાર પાણી આડે ને એટલે ભળે બહુ अरे तो मटी जाए थोड़ा थोड़ा ऊपर अच्छा है आग पे कहीं पर नहीं लगा थोड़ा थोड़ा लगा और ठीक हो जाएगा। यदि रसोई दारे करी मेरे पे रसोई आई है कल से पड़ेगी कल से मैं मुझे करनी पड़ेगी भाई। सॉरी किंजल मेरे मुझे पता नहीं था अभी हम ऐसे मस्ती कर रहे थे तो मेरा हाथ ऐसे तुमने यहाँ पे ऐसे ऐसे मस्ती किया ना तो मेरा हाथ ऐसे चला गया। जलन कम होगा जलन अभी कम हो जाएगा ठंडक थोड़ी पाया जाएगी ना अंदर एसी में थोड़े अंदर ठंडक पाया जाएगी ना एसी में चली जाओ आप रोटी बना दो। नहीं नहीं तुम रोटी कर लो किंजल कोई बात नहीं मैं एसी में चला जाता हूँ। मैं कपड़े सुखा देता हूँ बस फटाफट से बोल रहे हो। चलो कपड़े सुखा देता हूँ। काम छोटा हो या बड़ा सबको करना चाहिए। देखो घर पे ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है तो कभी मुझे भी कर देना है। काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता सब कर देने का है। एक और ट्यूशन से लेकर आया भाई आगे मस्त भाई क्या क्या सिखाया बधु सिखाड़ो। ओके मैडम बोल रहे थे रोहित थोड़ा भूल जाती है क्योंकि उसका ध्यान है ना वो पढ़ाई में कम और मस्ती में ज्यादा रहता है। रोहित किंजल इसकी कंप्लेंट है मैं खाती नहीं हूँ इसलिए खाई देती हूँ। लोट नहीं लगा मुझे जिला दिया है। लोट नहीं लगा बेटा गई हूँ यहाँ पे मम्मी ट्यूब लगाई है ट्यूब लगाए मम्मी को वो शाक कर रही थी तो उसको ऊपर हमारे जिया दीदी का कॉल आया है। एक बात आपको खास नोट करनी है ये है वो कि इतने सारे लोगों को हमने मैंगो भेजे लेकिन ठंडे वाले एटमॉस्फेयर में कभी मैंगो पकती नहीं है। जहाँ फैन 24 आवर चलता रहता है वहां पर भी केरी पकती नहीं है। उनको एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ की पवन की बहुत हलचल बहुत कम होती हो। मार्केट में आ गए और ताजा मर्चा गोविंद भाई के यहाँ पे आ गया भाई। और गोविंद भाई कैम छे बधुए जय श्री स्वामीनारायण। आज का सुविचार एक तो भगवान ની અતિશય મોટપ્ય જાણીએ છીએ તેણે કરીને આ સંસારમાં મોટામાં મોટા રાજાની સમૃદ્ધિ કે રાજ્યલક્ષ્મી તેને જોઈને લેશ માત્ર પણ
अंतर में तेनो भार आवतो नथी। बहुत ही बढ़िया मैसेज है कि भाई भगवान का इतना बड़ा स्वरूप है, इतना बड़ा जिसने पूरी सृष्टि बनाई, जिसके पास धन दौलत कोई तो अपार समृद्धि है, भगवान के पास क्या कुछ नहीं है। तो उनके सामने हम कितने भी बड़े से बड़ा राजा और राज्यलक्ष्मी वाले वैभव को भी क्यों ना देख ले, लेकिन अगर भगवान की मोटिव हमें समझ में आ गई कि भगवान के सामने कुछ भी बड़ा नहीं है, तो हमें वो सब चीज़ें छूटी दिखाई देने लगेगी। तो भगवान को ही मोटिव रखो, भगवान का ही आस्था रखो, भगवान को ही अपना सर्वश्रेष्ठ मानो। लेकिन भगवान के पास जितना है उनका तो किसी के पास नहीं, लेकिन उसने ये पूरी सृष्टि बनाई इसलिए उन्होंने ही सबको दिया है और वही सबसे छीन भी सकता है। लेकिन कर्म के सिद्धांत पे चलोगे तो भगवान देता चला जाएगा, और जैसे दुष्ट आपके विचार चलते जाएंगे वैसे भगवान लेते भी जाएंगे। तो ये जितना भी आपके पास अभी भी जो है वो भगवान का दिया हुआ है वही मान के चलिएगा। मैंने ये सब क्रिएट किया या फिर मेरे पास ये आ गया, ऐसी गलती मत कीजिएगा। मन में जो भी मिलता है वो भगवान की कृपा होती है या फिर हमारे बुजुर्ग का आशीर्वाद होता है, जिनकी वजह से आज हम सुखी है और इतने समृद्ध है, ठीक है। और समृद्धि आने के बाद भी लोगों को बांटना सीखिए, किसी के दुख दर्द समझना सीखिए, ये सबसे बड़ा महान धर्म होता है। तो आज का मैसेज बहुत ही बढ़िया, मिलते कल, तब तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स।